You gotta listen up, listen up. Subscribe to my YouTube channel Super Princess Jo and hit on that bell icon to see all my latest videos first. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल Super Princess Jo पे आपका स्वागत है. आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पे आसानी से पार्लर जैसा मेकअप कैसे करें. जी हाँ, ब्यूटी पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आप अपना पूरा फुल फेस मेकअप इस तरह से आसानी से घर पे कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं. साथ ही साथ जब भी हम पार्लर में मेकअप कराते हैं तो हमें कभी भी खुशी नहीं हो पाती है. बहुत ही कम समय ऐसे होता है जब हमें पार्लर का मेकअप पसंद आता है, तो क्यों ना हम अपना मेकअप खुद ही करें घर पे. साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे मोटा काजल, जो मैंने अभी लगाए हुए थिक आई लाइनर, जो करीना कपूर का ट्रेडमार्क स्टाइल है, बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल है, किसी भी फेस को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, आपकी आंखों को बड़ा और काफी अट्रैक्टिव बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी एक तरफ से बदल देता है. पहले लुक में कोई भी अगर आपको देखेगा तो काफी ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से. वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस बनाऊँ तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन टोटली क्लियर है, कुछ भी नहीं लगा है, थोड़ा सा ड्राइनेस भी फील हो रही है. तो सबसे पहले ड्राइनेस को हटाने के लिए मैं लगाने वाली हूँ लिप मॉइस्चराइज़र. तो जो मैं अभी लिप मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ये जूसी पाई लिप बाम है ओशन कॉस्मेटिक्स का. और अब मैं लगाने वाली हूँ फेस प्राइमर. तो फेस प्राइमर जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये है टू फेस्ड कॉस्मेटिक्स का हैंगओवर 3-in-1 प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा स्प्रे प्राइमर है. इसको मैं स्प्रे करने के बाद हल्का सा अपने हाथों से ब्लेंड कर लेती हूँ और बस उसके बाद ये प्राइमर लग जाता है. यूजली लोग आई मेकअप वगैरह करने के बाद फुल फेस मेकअप करते हैं, पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे अपना बेस मेकअप पहले करना पसंद है, उसके बाद ही मुझे कोई और मेकअप करना अच्छा लगता है. तो आज जो फाउंडेशन मैं लगाने जा रही हूँ वो है रेवलॉन का 370 टोस्ट फाउंडेशन, पम्प फाउंडेशन है. तो मैं इसे आसानी से अपने ब्रश पे लूँगी और इसके बाद इसको आसानी से अपने फेस पे हर जगह लगा लूँगी. फ्लैट टॉप ब्रश है तो ये आसानी से हर जगह फेस के हर कोने में लग जाता है. तो आप अपना फाउंडेशन अपने फेस के सेंटर से शुरू कीजिए और फिर अपने ब्रश से अपने जैसे नाक के सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे लगाइए और अपनी आँखों के नीचे लगाइए. इससे क्या होता है कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाते हैं. और वैसे भी जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो उसको आपके फेस के हर कोने पर लगाना है. होठों के पास लगाते वक्त आप होठों को बंद कर लीजिए. और आँखों को भी बंद करके आँखों के ऊपर आईलिड्स पे लगा लीजिए, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स के ऊपर और अपने जॉ लाइन से जॉ लाइन के पास और जॉ लाइन से नीचे गले तक ले जा रही हूँ ये फाउंडेशन. और अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो उसे ऊपर कर लीजिए और आप अपने नेक एरिया और चेस्ट एरिया के पास जो प्रोडक्ट बचा हुआ है ब्रश पे, इसी ब्रश से लगा लीजिए. आपके लिप्स पे भी अगर फाउंडेशन लग जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी लिपस्टिक ब्लीड नहीं करती है, मेल्ट नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक आपके होठों पे रहती है. और आप कुछ खाते पीते भी हैं तो भी आपकी लिपस्टिक छूटती नहीं है. तो अगर आपके फेस पे लिप्स पे भी आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेंगे तो वो एज ए लिपस्टिक बेस काम करेगा और कुछ नहीं है. थोड़ा सा अपने कानों के यहाँ पे भी लगा लीजिए ताकि आपके कान अलग से ना दिखें. तो ये था फाउंडेशन. आप देख सकते हैं कितनी आसानी से लग गया है. अब फाउंडेशन लगने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें. अभी मेरा फेस बहुत ही फ्लैट लग रहा होगा क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाया है और फाउंडेशन को सेट होने में कम से कम 30-40 सेकेंड लग जाते हैं. तो आप हल्के हाथ से इसी ब्रश से हर जगह सेट
कर लीजिए। तो ये हो गया मेरा फाउंडेशन। अब मैं लगाने वाली हूँ पाउडर। तो जो पाउडर मैं लगा रही हूँ ये है रेवलॉन का कलर स्टे प्रेस्ड पाउडर, मीडियम शेड में है, और इसे मैं लगाऊंगी इस पाउडर ब्रश से। इसको लार्ज पाउडर ब्रश बोलते हैं, सिग्मा का F30। तो इसको प्रोडक्ट को बस इस ब्रश पे ऐसे लेना है चारों तरफ और अपना मुंह और आंखें बंद करनी है और बस इसे अपने फेस पे लगाना है। लार्ज पाउडर ब्रश मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप देखिए पूरा फोरहेड कवर कर लेता है, बहुत ही जल्दी पाउडर लगा देता है पूरे फेस पे। इससे क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन है वो सील हो जाता है आपकी स्किन पे, तो वो लंबे समय तक रहेगा। और अपना गला मत भूलिए, अपने गले पे जहाँ पे आपने फाउंडेशन लगाया था वहाँ पे भी पाउडर लगा लीजिए। आंखें बंद करके अपने आईलिड्स पे लगाते रहिए। आईलिड्स पे भी लगाइए और बस इस पाउडर को पूरा ब्लेंड कर लीजिए। तो ये फेस मेकअप का फाउंडेशन और पाउडर हो गया है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसीलर। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है अंडर आई एरिया में तो आप कंसीलर लगा सकते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले या बाद, जो भी आप प्रेफर करें। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये स्टेप इग्नोर कर सकते हैं। मैं दिखाने के लिए आपको दिखा देती हूँ, ये NYX कॉस्मेटिक का स्कल्प्ट एंड हाईलाइट कंसीलर है। तो जैसे कि आप इसे अंडर आई एरिया में वी शेप में हल्का सा ऐसे लगा लीजिए और इसे थोड़ी सी इस जगह पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। चाहिए तो अपने क्यूपिड्स बो पे भी लगा सकते हैं, अपने फोरहेड के सेंटर और नोज ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज पे भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली हाइलाइटिंग में हेल्प करता है। तो मैं एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेने वाली हूँ, इसको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं, और इसी से मैं इसको इन प्लेस ब्लेंड करने वाली हूँ। इससे थोड़ी सी वाइटनेस आ जाती है, थोड़ी सी हाइलाइटिंग हो जाती है, थोड़ा सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। तो आँख मैं ऊपर देख रही हूँ ताकि जो आँखों के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ी सी जगह बने और अच्छे से क्रीज और हर जगह ये कंसीलर लग जाए। इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है सेट होने के लिए, तब वो एक जगह सेट हो जाता है, फिर आप उसको थोड़ा पाउडर लगा के अच्छे से कवर कर सकते हैं। इससे काफ़ी यूथनेस आती है आपके फेस पे, जो भी आपके अगर रिंकल्स या थोड़ी सी भी डार्कनेस या अनइवन स्किन होती है, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, देखिए आप चाहें तो अपनी रिंग फिंगर से हल्के से इसको ऐसे कर लीजिए। फाइनली अगर आप फिंगर से ऐसे करेंगे, जैसे मैं अपने रिंग फिंगर से बहुत आसानी से ब्लेंड कर रही हूँ आँखों के पास का एरिया, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। मतलब अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर आपको लगता है कि आँखों में जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका फाउंडेशन या कोई भी आई प्रोडक्ट आपकी आँखों में चला गया, पानी आएगा, तो आपका फेस का मेकअप ख़राब हो जाएगा आपके आंसुओं से। तो बेटर है कि आप अपनी रिंग फिंगर्स का यूज़ कीजिए, जो आपको हर चीज़ आसानी से कोने कोने में प्रोडक्ट लगाने में मदद करे। तो ये रहा कंसीलर। अब कंसीलर को कवर करने के लिए जो यूज़ करती हूँ मैं, वो है हाइलाइटिंग पाउडर। तो ये बेन नाइ का बनाना पाउडर है, किम कार्दाशियन भी ये यूज़ करती है। तो ऊपर देखिए और ब्यूटी ब्लेंडर के टिप से इसे अपनी आँखों के नीचे के एरिया में ऐसे लगा लीजिए और दोबारा भी इधर ऐसे ऊपर देखिए और आँखों के नीचे के एरिया में इसको लगा लीजिए और इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए यहाँ पे ना, तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे वॉश आउट कर सकते हैं, चाहे तो क्यूपिड्स बो में भी लगा लीजिए हल्का सा। तो मैं ये ब्यूटी स्पंज ले रही हूँ और ये जो कंसीलर मैंने लगाया था इसे जस्ट ब्लेंड कर दे रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी भी वहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर ना बचे, सब कुछ स्किन में लग जाए। तो ये थोड़ा फेस मेकअप पाउडर वगैरह सब कुछ लग गया है। फाइनली आप अपना सेम जो पहले आपने पाउडर ब्रश लिया था वो ले लीजिए
और एक बार अपने फेस को टचअप कर लीजिए तो उससे आपका बेस पूरा सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फेस कितना फ्लॉलेस और बेस मेकअप हो चुका है, काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और अब मैं करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज, तो मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। ये है अनास्ताशिया बेवरली हिल्स की मीडियम ब्राउन शेड ब्रो बेस आईब्रो पेंसिल। सो ये पेंसिल के फॉर्म में है, तो मैं जस्ट अपनी आईब्रोज ड्रॉ करूँगी। इनर कॉर्नर में नीचे से ऊपर की तरफ खड़े हुए बाल जैसे होते हैं, उस स्ट्रोक्स में मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जो ब्रो नेचुरल आईब्रो का डायरेक्शन है बालों का, उस तरफ मैं इसको ऐसे करूँगी। बस इतना सही करना है। सिमिलरली दूसरी आईब्रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे के बाल थोड़े से कम हैं, तो मैं आईब्रो पेंसिल से पहले थोड़े से बनाऊंगी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स रूट से ऊपर स्टैंडिंग, तो ऐसे लगेगा कि नेचुरल बाल हैं। और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर की तरफ ड्रॉ करूँगी आईब्रो, और जो भी थोड़े से गैप्स हैं जहाँ पे बालों की थोड़ी कमी है वहाँ पे ये आईब्रो पेंसिल से गैप्स फिल करूँगी। और ये आईब्रोज फिल हो गए। तो आईब्रोज फिल करने के बाद प्रॉपर शेप के लिए आईब्रो ब्रश लीजिए। ये ब्रश आप सेपरेटली भी खरीद सकते हैं, और अगर आपके आईब्रो पेंसिल में ही लगा हुआ है जैसे मेरे में लगा हुआ है, तो आप बस आप नेचुरल आईब्रोज के जो शेप है उसको फॉलो कीजिए और अपने आईब्रोज ड्रॉ कीजिए। ये बहुत ही आसान मेकअप है। ये वीडियोस बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि कोई भी इंसान जिसको कुछ भी ना आता हो ABCD ऑफ मेकअप, मेरे वीडियोस देख के आसानी से मेकअप कर सके। जो आप लोग पार्लर जाते हैं और उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते, वो आपका जिस तरह से मेकअप करते हैं और पार्लर में पैसे भी काफ़ी लेते हैं, तो मेरे वीडियोस देख के आप आसानी से सीख सकते हैं कि आप अपने आप का मेकअप खुद कैसे कर सकें और अपने आप को सुंदर कैसे बना सकें। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज भी हो चुकी है। मैं आई मेकअप बाद में करूँगी, ये फेस मेकअप का वीडियो है, तो मैं आपको अब बताऊँगी कि हल्का सा ब्लश कैसे लगाइए। तो आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ही नेचुरल ब्लश लगाऊंगी। ये सिफोरा का कांट स्टॉप स्माइलिंग ब्लश है, तो इसको लगाने के लिए मैं ब्लश ब्रश का यूज़ करूंगी। तो जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी सिग्मा का है, और ये एंगल टॉप काबुकी F84 ब्रश है। आप देख सकते हैं ये जो इस पर थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट लगा है, पर वो सेम ही प्रोडक्ट है, तो डोंट वरी। तो मैं जो ये एंगल ब्रश है इस पर अपना प्रोडक्ट ऐसे लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल करके जो हाईएस्ट पॉइंट है जो गालों की गद्दियाँ हैं इस पर लगाऊँगी। बहुत ही हल्के हाथ से आप इसे लगाइए और थोड़ा सा चीक बोन पे लगाइए और ब्लेंड कर दीजिए। तो वही काम मैं दूसरी तरफ भी करूँगी और इसे ऊपर करके ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही नेचुरल हल्का ब्लश है, पीच कलर का हो गया। बस आप इसे ब्लेंड कर लीजिए, ब्लश ब्लेंड हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है कि आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, ग्लो आता है। तो ये हो गया मेरा ब्लश। अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी। हाइलाइटर लगाने का सबसे इजी और आसान तरीका है, जैसे मैं ये मैरी लू मिनाइजर हाइलाइटर ले रही हूँ बाम कॉस्मेटिक का। सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है वो सबसे छोटी होती है, उस पर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, स्माइल कीजिए और अपनी चीक बोन्स पे ऐसे पतला सा हाइलाइटर लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप सही जगह पे हाइलाइटर लगाएंगे, पूरे फेस पे नहीं फैलेगा आपका हाइलाइटर। आप देख सकते हैं जो बचा हुआ प्रोडक्ट है मैं अपने नोज़ के ब्रिज पे लगाना चाहती हूँ और नोज़ की टिप पे लगाना चाहती हूँ, और आप उसे अपनी उंगली से ही ब्लेंड कर लीजिए। इनफैक्ट आप यहाँ जो आपने चीक्स पे हाइलाइटर लगाया है उसे भी इन प्लेस अपनी उंगली से ही ब्लेंड कर लीजिए। मैं हाइलाइटर थोड़ा सा अपने टेम्पल्स और आईब्रो के ऊपर इस हिस्से पे लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे भी नेचुरल शाइन और ग्लो आए, और ये आपकी स्किन को बहुत ही ना हेल्थी लुक देता है कि जैसे आपकी स्किन काफ़ी शाइनिंग है, चमकदार है, काफ़ी लाइवली है, स्किन पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। हल्के हाथों से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा क्यूपिड्स बो पे भी मैं लगाना चाहती हूँ,
लिप्स के ऊपर के हिस्से में जो ये दिल जैसा शेप बनता है, ये जो ऊपर होठों का दिल वाला हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो आप जब लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं। तो हो गया मेरा पूरा फेस मेकअप। अब मुझे लगाना है थोड़ा सा कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग भी वेरी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, आपको नहीं पसंद है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं ये बहामा मामाज का दी बाम कॉस्मेटिक का बहामा मामा का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ और ये एक फेस ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये है सिडोना लेस का 773 फेस ब्रश। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा ब्रश है। तो इस पर मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ और अपने जॉ लाइन के नीचे लगा रही हूँ। इससे थोड़ी सी शेडोइंग होती है आपके फेस पे। और अगर आपको डबल चिन है, वेट है फेस पे, तो ये थोड़ा सा वेट कम जैसा लुक देता है। ये वेट स्लिमिंग इफेक्ट देता है, थोड़ी सी शेडो देता है आपके फेस पे, डेफिनेशन देता है। तो थोड़े फेस आपका स्लिमिंग और हल्का लगता है। डबल चिन थोड़ी सी कम दिखती है या नहीं दिखती है। तो सेम प्रोडक्ट मैं और ब्रश में ले रही हूँ और यहाँ पे ब्लश के नीचे जॉ लाइन के हॉलोस ऑफ द चीक्स में लगा रही हूँ। आप अपने फिश जैसा मुंह बनाइए और यहाँ जो गड्ढे हो जाते हैं गालों के नीचे, यहाँ पे हल्का सा ये कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट लगाइए। और उसको जगह ही पे ब्लेंड कर लीजिए। ये आपका फेस थोड़ा स्लिम डाउन करता है। और इसी ब्रश पे मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके इसे अपने नोज के साइड में लगाऊंगी, साइड में, तो जिससे थोड़ी सी नोज की भी शेडोइंग हो जाएगी। थोड़ी सी नोज की शेडोइंग दिख के, अगर आपकी ब्रॉड नोज है तो वो थोड़ी स्लिम लगती है। इनफैक्ट अगर आपकी स्लिम नोज है तो उसको और भी स्लिम करने के लिए थोड़ी सी शेडोइंग देने से काफ़ी लुक में चेंज आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देखिए मैंने ये हल्का सा एक ही फेस ब्रश से अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी शेडोइंग दे दिया है और अपने जॉ लाइन और साइज ऑफ चीक्स हर जगह कर लिया है। तो मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है फेस मेकअप कंप्लीट होके। आई थिंक ये कैमरे पे परफेक्ट जस्टिस दे रहा होगा जैसे ये सामने मेरे को मिरर में दिख रहा है। मैं आपको क्विकली लिपस्टिक लगा के और काजल लगा के दिखाती हूँ। तो आज जो लिपस्टिक मैं लगाने जा रही हूँ ये मैक कॉस्मेटिक की लिपस्टिक है और इसका नाम है हैव योर केक। ये बहुत ही अच्छी पिंक एंड पर्पल लिपस्टिक है। लिपस्टिक लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके लिप्स पे कोई भी गैप्स ना रह जाए और आप बहुत ही ज़्यादा होठों के अंदर घुस के लिपस्टिक ना लगाइए, वरना वो डार्क लिपस्टिक आपके दांतों पे आएगी। आप देखिए दांतों पे कुछ नहीं लगाए। तो लिपस्टिक आप अपने होठों के हिसाब से शेप कर लीजिए। मेरे होठ ऐसे आगे से ऐसे दिल जैसे शेप के हैं, तो आप ये शेप अपने आप बना सकते हैं। और यहाँ नीचे ऑलरेडी हमने फाउंडेशन और पाउडर लगाया हुआ है लिप्स पे, तो लिपस्टिक लाइन से बाहर नहीं जाती है, फैलती नहीं है, काफ़ी वक्त तक फेस पे रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लिप्स लग रहे हैं लिपस्टिक लगने के बाद। अब बचा है काजल, तो मैं आपको क्विकली काजल लगा के दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फुल फेस मेकअप हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि मोटा काजल आप घर पे कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोटा काजल या फिर थिक आईलाइनर का वीडियो बनाओ। तो इसी वीडियो में मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम मेकअप करते हैं और आपने ऑलरेडी इस टाइप का मेकअप पसंद किया और आपको बहुत ही ग्लैमराइज्ड आई शेडो वगैरह नहीं चाहिए, तो आपने ऑलरेडी बेसिक आई मेकअप देख लिया है जो मैंने एक फाउंडेशन पाउडर लगाया है, तो आप क्या कीजिए, आप एक पेंसिल काजल लीजिए। आप आसानी से ऐसे पेंसिल काजल मार्केट से किसी भी ब्रांड के खरीद सकते हैं। तो मैं ये जो ले रही हूँ ये अर्बन डिके कॉस्मेटिक का पेंसिल काजल है। तो इस काजल को लगाने के लिए आप अपनी आँखों के सेंटर तक जाइए, जहाँ से आपका आईलिड शुरू होते हैं या बालों के बाल शुरू होते हैं वहाँ से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको
बाहर की तरफ खींच के लाइए और जो आउटर कॉर्नर है जहाँ पे आईलिड्स ख़त्म होती है, आप हमेशा अपने टिश्यू से अपना काजल क्लीन कर सकते हैं और उसको क्लीन करके ट्विस्ट करके साफ़ करके फिर आईलाइनर पे लगा सकते हैं, तो आपका काजल फैलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, जैसे नीचे रखा काजल एक स्ट्रोक मारा, ऐसे ऐसे करके इसे आखिरी तक ले जा रही हूँ। आखिरी में यहाँ पे आके आप इसको ऐसे कीजिए। तो जब आपका काजल इस लेवल तक लग जाए, आप दोबारा उसी लाइन पे जाके उसको डबल कर सकते हैं उस काजल को, अगर आपको थोड़ा सा थिक काजल पसंद है तो। जब पीछे के हिस्से पे आप आएँ तो पीछे काजल रखिए और सेंटर की तरफ अपनी पेंसिल कीजिए, और जब आप आगे की तरफ हों तो आप आगे काजल रखिए और सेंटर की तरफ अपनी पेंसिल कीजिए, और फिर बीच में उठा उठा के अपने काजल से इसके कपल ऑफ लेयर्स लगाइए, तो आपका काजल लग जाएगा। उसके बाद आप ऐसे एंगल्ड ब्रश लीजिए, एंगल्ड आईलाइनर ब्रश आता है, ये कोस्टल सेंस का है। तो इस ब्रश से मैं क्या करूँगी, आप पीछे की तरफ से शुरू कीजिए अपने काजल को थोड़ा स्मूथ और ब्लेंड करने के लिए, इस ब्रश को उसके ऊपर कीजिए ताकि आप इवनली अपने काजल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सेम चीज़ आप सेंटर ऑफ द आई से शुरू कीजिए, इनर कॉर्नर ऑफ द आई से, और उससे अपने काजल को ब्लेंड कीजिए। तो इससे जो हार्शनेस या थोड़ी सी भी अनइवन चीज़ रहती है वो चली जाती है और आपकी काजल की थिकनेस आ जाती है। बस आप इसको इस स्टेप पे ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि ये जेल, मोस्टली काजल जेल फॉर्म में होते हैं तो उनको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली एक बार और अपनी आई पेंसिल, काजल पेंसिल लीजिए और बाहर से अंदर की तरफ एक लाइन बनाइए, और फिर बाहर से अंदर की तरफ एक लाइन बनाइए, और उसको मेक श्योर कीजिए कि आपके जो आई लैशेस हैं उनके जो रूट्स हैं वहाँ पे भी गैप ना हो। आप जितना क्लोज हो चुके अपने लैश लाइन के बाहर तक उस काजल को भर लीजिए, और वापस अपना एंगल्ड ब्रश लेके उसको बस ब्लेंड कर दीजिए। जब आप काजल लगाएं तो आप धीरे धीरे लगाएं, मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, और उसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सीधे बहुत ही मोटा काजल ना लगा ले, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो अजीब सा लगेगा। तो पहले आप उसे रूट से बिल्डअप करना शुरू कीजिए, और अगर आप धीरे धीरे चाहें तो अपने लुक के हिसाब से उसे कितना भी थिक और ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काजल मेरा जो ऊपर है वो लग चुका है, काफ़ी थिक है। तो अब आई बारी नीचे काजल लगाने की। सबसे पहले आप अपनी आई काजल पेंसिल लीजिए और अपने आईलिड्स को ऊपर कीजिए, और अपनी लैशेस के नीचे जो वाटर लाइन होती है वहाँ पे काजल लगाइए, और एक दो बार आंखें पल के झलक झपक लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके ऊपर का काजल है वो लोअर वाटर लाइन पे भी आएगा, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको टाइट लाइनिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, आपके रूट्स में भी काजल लग जाता है, और सेम चीज़ आप नीचे रिपीट कीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर लाइन पे काजल लगा लिया है, और अब मैं नीचे वाले काजल को धीरे धीरे लैश लाइन पे लगाऊंगी। काजल लगाने के लिए मैं बाहर से शुरू कर रही हूँ, और उसको धीरे धीरे अपनी लैशेस के जो रूट्स हैं उससे लेके अंदर तक लेके आ रही हूँ, फिर मैं अंदर से शुरू कर रही हूँ। ये जो आपकी आँखों की अंदरूनी कोना होता है वहाँ से शुरू कर रही हूँ, और लैश लाइन के नीचे उसे आउटर तक लेके आ रही हूँ। तो ऐसा होने के बाद आप अपना ब्रश दोबारा लीजिए और जो भी काजल है उसे सॉफ्टली ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेल काजल है थिक लगता है। ये काजल एक्चुअली काफ़ी समय तक फिर आपके फेस पे रहता भी है। ये मोटा काजल लगाने के काफ़ी फायदे हैं। एक तो ये काफ़ी समय तक आपकी आँखों पे रहता है, और दूसरा ये काफ़ी बोल्ड लुक भी देता है, और तीसरा ये आपकी आँखों को काफ़ी बड़ा भी बनाता है। यहाँ जो आउटर कॉर्नर है यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपके जो ऊपर का काजल है
और जो नीचे का काजल है आप उस दोनों को एक साथ ब्लेंड कर दें। तो जितना हो सके उतना आप इसे अपने एंगल ब्रश से ब्लेंड कर लीजिए और आउटर कॉर्नर पे दोनों काजल को ज्वाइन कर लीजिए और इनर कॉर्नर पे भी दोनों तरफ से काजल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये काजल काफ़ी थिक है और अगर आपको थोड़ा बहुत एक दो डॉट्स अगर लगते हैं इधर उधर लग गए हैं या आपको थोड़ी सी फिनिशिंग और करनी है तो इस तरह का क्यू टिप लीजिए और उससे जो भी आपको क्लीन करना है हल्के हाथों से क्लीन कर दीजिए। इससे क्या है ना, फाइनल शेप दे सकते हैं अपने काजल को और फाइनल क्लीनिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा सा कोई भी फाउंडेशन पाउडर लेके अगर आपको कुछ कवरेज करनी है तो इस एरिया में आप अपना फाउंडेशन पाउडर इसी क्यू टिप से लेके हल्का सा लगा सकते हैं तो वो फाइनल फिनिशिंग देगा और आपके काजल को इधर उधर फैलाएगा भी नहीं और हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि काजल काफ़ी थिक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और आँखें काफ़ी बड़ी लगती हैं पर आई लैशेस नहीं दिख रही हैं। तो मैं अपने आई लैश कर्लर से उसको रूट्स के पास काफ़ी ले जाके अपनी आई लैश 10 सेकंड्स के लिए कर्ल करूँगी और अब मैं ये मेबलिन का मस्कारा लगाऊँगी। तो रूट से अपने लैशेस को ऊपर की तरफ करते हुए मैं ये मस्कारा लगाऊंगी। मेकअप करते हुए बातें करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार। ऐसा लगता है कि बोलना क्या है उस पर भी ध्यान देना है और जो हम मेकअप कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो ये कपल ऑफ कोट्स हैं, दैट मीन्स 2-4 बार आप लगा लीजिए, आपको जितना थिक चाहिए उतना लगा लीजिए। मैं अंदर की तरफ से भी लगा लेती हूँ और बाहर की तरफ से भी लगा लेती हूँ। अपनी जितनी लैशेस अंदर से बाहर तक है आप मस्कारा लगा लीजिए और लोअर लैशेस पे भी मैं मस्कारा लगा रही हूँ। टंचना, ये हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों की आँखों में, दोनों आँखों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये तो था जेल लाइनर और जेल काजल जिसकी वजह से आप इतना थिक आईलाइनर लगा सकते हैं। सेम चीज़ मैं इस आँख पे करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों आँखों पे काजल लगाने के बाद और फुल फेस मेकअप करने के बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितना ही अट्रैक्टिव लगता है थिक काजल और थिक आईलाइनर लगाने से, आपको एक बहुत ही अलग से अट्रैक्टिव और ग्लैमरस लुक आती है। मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मैंने पिंक टॉप पहना है, पर आप पिंक की जगह कोई भी न्यूड शेड्स और ब्राउन शेड्स लगाएंगे तो भी ये लुक बहुत ही प्रिटी लगेगा। और काजल आप देख सकते हैं क्लोजअप में कितना ही नीट है, कितना क्लीन है, कितना थिक है। तो आप जब मोटा काजल लगाते हैं तो आपको आईलाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से लग सकता है। आप एक्चुअली अगर एक बार ये काजल लगाना सीख लें तो आप सिर्फ 2 मिनट में अपना लुक ड्रास्टिकली बदल सकते हैं। 2 मिनट में आप ये काजल लगा सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या ट्राई करेंगे ये पार्लर जैसा मेकअप घर पे और ये मोटा आईलाइनर लगाना। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी नए नए वीडियोस लेके आऊँ और ट्राई करूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, तो इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सुपर प्रिंसेस जो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ये ब्यूटी पार्लर जैसा मेकअप आप भी घर पे आसानी से कर सकते हैं, ये थिक करीना कपूर स्टाइल का काजल आप भी आसानी से घर पे लगा सकते हैं। और मेरे ऊपर ये काजल कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपके और भी जो वीडियो रिक्वेस्ट है इस वीडियो के नीचे लिखना ना भूलिए ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपके वीडियो रिक्वेस्ट पिक करके वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।